नमस्कार स्पिरिट ऑफ हेडलाइंस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। आज यानी कि गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से भारी गोलाबारी की जा रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से ग्रामीण दहशत में आकर घरों में छिप गए हैं। हालांकि इसमें किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से LOC पर पुंछ और राजौरी सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। 3 दिन पहले उड़ी सेक्टर में भी गोले दागे गए थे। दूर दराज के क्षेत्रों में सरकारी राशन पहुंचाने में बड़े घोटाले हो रहे हैं। सारा खेल माल ढुलाई का है। जिस राशन को 10 किलोमीटर तक पहुंचाना है उसका किराया 15 से 20 किलोमीटर बताकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ऐसी कई शिकायतें एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंची है। इनमें से कई मामलों की जाँच कर ली गई है, कई मामलों की जाँच हो रही है। उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण विभाग के कई सहायक निदेशक स्तर से लेकर TSO तक के अफसर ब्यूरो के रडार पर है। बता दें कि राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, रामबन, किश्तवाड़ जिलों में ऐसे मामलों की शिकायतें पहुंची है। इन जिलों में ब्यूरो के पास 50 से अधिक शिकायतें सिर्फ राशन के हेरफेर की है। सेना की उत्तरी कमांड के GOC कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह बुधवार को सियाचिन पहुंचे। शून्य से भी नीचे तापमान में तैनात सैन्य जवानों ने अग्रिम चौकियों तक पहुंचकर सिंह से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उनके साथ फायर एंड फरी कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद थे। जवानों से ये भी कहा गया कि वे मौसम से बचाव के लिए अपने आप का पूरा ख्याल रखें। बर्फीले तूफान में अक्सर जान जाने का खतरा रहता है। जवानों को बर्फीले तूफान से बचने की हिदायत दी गई। इस समय सियाचिन में पारा शून्य से भी नीचे है। निर्भया के 4 दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने 7 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये दावा किया है कि वह 2012 में नाबालिग था। उसकी इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 24 जनवरी 2020 तय की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अदालत ने अपना सुनवाई स्थगन का अपना फैसला वापस ले लिया। अब इस केस की सुनवाई आज दिन में ही होगी। बता दें कि निर्भया के माता पिता के वकील ने अदालत के आदेश पर एतराज जताया था कि जिसके बाद अदालत ने 24 जनवरी की सुनवाई की तारीख रद्द कर आज ही सुनवाई करने का आदेश लिया। देशभर में नागरिक कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में लेफ्ट विंग और मुस्लिम संगठनों ने काला बुरागी इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर लाल किले के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही कई मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं रोक दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में आज कांग्रेस, NCP समेत कई दल नागरिकता कानून और LRC के खिलाफ विरोध मार्च करेंगे। कांग्रेस, राकांपा और अन्य दलों ने एक मोर्चा बनाया है और वह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक और बिहार में आज बंद बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे उत्तर भारत में शीत लहरों से जहां लोग ठिठुर रहे हैं, वहीं अब रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। बढ़ते तापमान का असर उड़ानों पर भी देखने लगा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू किया गया है। इस कारण कुछ उड़ान में अवरोध हो सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यात्रियों से अपील की गई है कि वे उड़ान की अधिक जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्पिरिट न्यूज़।